स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। चुनाव प्रचार चरम सीमा पर है और कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार की कमान पूरी तरह से अनिल संधू मोंटी, जो पूरे दावे के साथ कांग्रेस प्रत्याशी की रिकॉर्ड तोड़ जीत का हमेशा ही दावा कर रहे हैं और रिकॉर्ड दावा कर रहे हैं, आज फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोंटी जी, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। कैसा माहौल, क्या हवा, यही क्वेश्चन हम शुरुआत करेंगे जी। सबसे पहले शर्मा जी, स्टेट न्यूज 71 का मैं धन्यवाद करता हूँ। और माहौल तो एक तरफा है कांग्रेस पार्टी का, आज 6 मार्च ने जो हमारे एक तरफा जो समर्थन किया है, इसके इससे समर्थन से पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। अब तो हमारी लीड बहुत ज़्यादा अप है और दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई है, उनके आपस में लड़ते रहेंगे। हमारी एक नंबर पे प्रत्याशी है श्रीमती रेणु बालाजी। कांग्रेस पार्टी लगभग 70 सीटें लेके जा रही है, हरियाणा में सरकार बनने वाली है कांग्रेस पार्टी की, 8 तारीख के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। मोंटी साहब, सुबह 7 बजे से निकलकर रात्रि 10-11 तक आपका चुनावी प्रचार रहता है, 20 से अधिक गाँव में जाना रहता है, कैसा कुछ माहौल नजर आ रहा है? माहौल एक तरफ है, लोग इतने बड़े बड़े काफिले निकालते हैं, इतनी बड़ी बड़ी जनसभाएं करते हैं और इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं लोग, उनको एक बात दिख रही है कि 5 तारीख को वोटिंग कांग्रेस पार्टी के हक में होगी और 8 तारीख को रिजल्ट कांग्रेस पार्टी के हक में आएगी। ऐसा क्या कुछ आप दिखाई दे रहा है कि किन विषय को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जिन विषय पर लोग प्रभावित हो रहे हैं, ऐसे कौन से विषय आप लोग जनता के बीच में रख रहे हैं? बीजेपी ने जो विश्वासघात लोगों के साथ किया, 15 लाख की बात हो, महंगाई की बात हो, आमदन दुगनी करने की बात हो, किसानों की 2 करोड़ नौकरियों की बात हो, हर घर को छत देने की बात हो, कितने वादे इनके सब झूठे निकले। जो कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन है, 2,000 रुपये गृहिणी के खाते में है, 2 गज का प्लाट है, 3.5 लाख रुपये मकान बना के देंगे, OPS स्कीम है और किसानों की MSP की गारंटी है, 300 यूनिट बिजली फ्री है, 500 रुपये में सिलेंडर, इतना अच्छा घोषणा पत्र किसी को मिल ही नहीं सकता कांग्रेस पार्टी। चलिए, तो घोषणा पत्र की बात थी, सढ़ौरा नगर को देखिए, आप लोग भी यहीं के बसिंदे हैं, देख रहे हैं कि लगातार निरंतर पिछड़ापन जारी है, कारण बहुत से हैं, तो क्या कुछ सढ़ौरे के बारे में योजना है? पहले भी विधायक ने इंडस्ट्रियल एरिया घोषित करने की बात करी थी और अब भी हमारी डिमांड ये है कि इसको इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किया जाए। और सढ़ौरा हॉस्पिटल का मुद्दा है और जो सबसे बड़ा सर्वनाश जो किया कमेटी ने किया, हमारा यही मुद्दा है कि कमेटी को तोड़ के यहाँ पर पंचायत बनाई जाए और हम अगर सरकार में आते हैं तो यहाँ पर पंचायत बनवा के रहेंगे, ये हमारा वादा। एजुकेशन, स्कूल शिक्षा का स्तर भी काफ़ी जो कॉलेज यहाँ पर घोषणा करके गए थे मुख्यमंत्री जी, वो बिलासपुर में चला गया, लेकिन हम वहाँ का भी विकास करवाएंगे और यहाँ भी सढ़ौरा में ये डिमांड करेंगे सरकार से, जैसे ही सत्ता में आते हैं यहाँ भी एक अच्छा कॉलेज बने, मेडिकल कॉलेज बने, इस एरिया का विकास हो और हॉस्पिटल भी अच्छा बने यहाँ पे, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। तो एक बार फिर चाहूंगा वो दावा एक बार फिर करें कि कितने मार्जिन से। दावा मेरा वही है कि जो गठबंधन का प्रत्याशी है 20,000 क्रॉस नहीं करेगा, भूल वाला प्रत्याशी 40,000 क्रॉस नहीं करेगा, अपनी 1 लाख पड़ेगी वोट, आज आपके चैनल से रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अनिल संधू मोंटी जी, एक बार फिर दावा उन्होंने हमारे चैनल पर दोहराया। चलिए देखते हैं, तो ये थी स्टेट न्यूज 71 की एक प्रस्तुति, अनिल संधू मोंटी के साथ बातचीत।